जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टार यात्रा विशाल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमको एफएमसीजी सेक्टर से आते हुए हम देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ हम अगर बात करें इस कंपनी की, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये कंपनी जो एफएमसीजी सेक्टर से आती है वो पैसे छापने की मशीन है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हम जब आगे आपको दिखाएंगे तो आप भी यही बोलिएगा कि ये कंपनी 100% पैसे छापने की मशीन ही यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो आज हमारे उस कंपनी का यहाँ पे क्वार्टर फोर का रिजल्ट आने वाला था, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या हमारी जो कंपनी है उसका परफॉर्मेंस हमको कैसा देखने को मिला इस बार का। एंड उसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास ये कंपनी हो तो एक भी शेयर यहाँ पे मत बेचिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो इनका रिजल्ट है वो तो हमको अच्छा देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद भी हम यहाँ पे इसको देखेंगे क्योंकि आप लोगों को दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए सीधा चलते हैं रिजल्ट के ऊपर। यहाँ पर हम सीधा इनके रिजल्ट पर आ गए हैं। एंड सबसे पहले आपको हम बता दें कि इस लाइन में जो भी डाटा आपको देखने को मिलेगा वो इस बार का डाटा होगा। एंड इस बार इसमें दिसंबर 28 एंड इस लाइन में लास्ट ईयर 20 का डाटा आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल इनकम देखें, जो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम से मिल करके बनता है। तो इस बार का जो इनकम है वो 48,332 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखें, ये जो फिगर्स है वो ₹3 लाख में यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। एंड अगर लास्ट क्वार्टर की बातें करें तो जो टोटल इनकम था वो 38,429 एंड लास्ट ईयर की बातें करें तो 24,833 यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी का रेवेन्यू है वो क्वार्टरली बेस एंड ईयरली बेस दोनों ही बेसिस पे हमको अच्छी देखने को मिल रही है। एंड अच्छी इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि ये खासकर एफएमसीजी सेक्टर की याद से आने वाली कंपनी है। एंड जितना इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो बिकेंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू हमको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट आपको उतना देखने को नहीं मिला, क्योंकि एफएमसीजी में अगर बातें करें तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों जिसमें अगर बेनिफिट की बातें करें, प्रॉफिट की बातें करें, थोड़ा हमको कम देखने को मिलता है। इसलिए इस खासकर एफएमसीजी के किसी भी कंपनी में आपको रेवेन्यू देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो जाहिर सी बात रहेगी कि आपको प्रॉफिट भी बढ़ेगा। एंड उस बार का एक्सपेंसेस भी आपको यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो टोटल एक्सपेंसेस है इस बार का आप देख सकते हैं 46,568 यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। लास्ट क्वार्टर 37,109 एंड लास्ट ईयर 23,810। आप देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है क्वार्टरली एंड ईयरली बेस पे हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम प्योर प्रॉफिट की बात करें, जिसे प्रॉफिट फॉर बिफोर टैक्स हम यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है, जिसको हम प्योर प्रॉफिट कहते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1,763 हमको देखने को मिल रही है लगभग। एंड उसके अलावा बात करें लास्ट क्वार्टर 1,319, लास्ट ईयर 1,023। आप देख सकते हैं कि जो प्योर प्रॉफिट है वो क्वार्टरली एंड ईयरली दोनों ही बेसिस पे हमको अच्छी देखने को मिले, जो कि एक बहुत ही यहाँ पे अच्छी बात है। यहाँ पे हम जो इस प्रॉफिट को देख करके कह सकते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो हमको अच्छे खासे यहाँ पे ग्रो करते हुए देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ पे जो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं, इस प्रॉफिट का बहुत ज़्यादा मायने होता है। एंड जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, वो इस प्रॉफिट को ही यहाँ पे देख करके इस कंपनी में आगे क्या करना है इसका यहाँ पे निर्णय लेते हैं। एंड यहाँ पे जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इस ये तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड काम होते हुए हमको देखने को मिलेगी। कल कंपनी में क्या होगा, क्या गिरावट आएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे एक्सेप्शनल आइटम देखने को मिल जाते हैं, उसके बाद टैक्स देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है कभी कभी घटते हुए भी देखने को मिलता है, कभी कभी बढ़ते हुए भी देखने को मिलता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, ये जो फिगर्स है उसकी अगर बातें करें तो वो केवल हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग से रिलेटेड हमको देखने को मिल जाती है। एंड अगर मेन प्रॉफिट की बात करें तो यही जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेन प्रॉफिट यहाँ पे होता है। अगर इस बार का प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि
1137 यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। लास्ट क्वार्टर देख सकते हैं 1256 है, लास्ट ईयर 710। तो यहाँ पर आप देखें जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो इस बार में जो प्रॉफिट हुआ था वो सबसे ज़्यादा हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं एक्सेप्शनल आइटम जुड़ने के बाद यहाँ पे आपको जो नज़ारा है वो बदलते हुए देखने को मिला है। तो अगर बात करें नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो क्वार्टरली बेस पे हमको गिरते हुए देखने को मिल रही है, एंड ईयरली बेस पे अगर बात करें तो हमको बहुत ही अच्छे खासे बढ़ते हुए यहाँ पे कंपनी देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर ईपीएस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो ईपीएस है वो इस बार 5.32 एंड लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 5.93 एंड लास्ट ईयर की बात करें तो 3.43 हमको देखने को मिल रही है। तो जिस तरह से हमको नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें उसी तरह से यहाँ पर हमको ईपीएस भी देखने को मिल रही है, क्वार्टरली बेस गिरते हुए एंड ईयरली बेस बढ़ते हुए हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो इनके रिजल्ट के देख करके हम बोल सकते हैं कि आप के पास ये कंपनी है तो आराम से इस कंपनी को यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो ये कंपनी अच्छा खासा रिटर्न्स यहाँ पे आपको दे सकती है। सो बेझिझक दोस्तों आप इस कंपनी में ज़रूर बने रहें क्योंकि ये कंपनी यहाँ पे अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट करते हुए देखने को मिली, एंड प्रॉफिट भी हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा यहाँ पे हमको होते हुए देखने को मिल रहा है। सो अब हम चलते हैं अपने कंपनी के ऊपर। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बोला था कि ये कंपनी हमको पैसे छापने की मशीन देखने को मिलती है, तो कैसे देखने को मिलती है तो चलिए एक बार कंपनी के ऊपर चलते हैं। सो जिस कंपनी का यहाँ पे हमने रिजल्ट देखा उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड। आप देख सकते हैं आज इस कंपनी में आपको करीब 2.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अगर 6 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो हरे निशान में, 1 साल की बात करें तो भी हरे निशान में, 5 साल की बातें करें तो 5 साल में ये भी इस कंपनी ने करीब 500% का रिटर्न्स यहाँ पर अपने शेयर होल्डर्स को दिया। मैक्सिमम अगर बातें करें तो मैक्सिमम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिटर्न्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम रिटर्न है वो 46,723 यहाँ पे आपको देखने को मिले, जो कि आप यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड भी देख सकते हैं कि करीब इस कंपनी को 9 साल की अगर हम बातें करें 9 ईयर्स की तो आप देख सकते हैं कि 46,723% के रिटर्न इस कंपनी ने दिए। तो बताइए दोस्तों 9 साल में ऐसी कौन सी कंपनी है जो हमको इतनी अच्छी खासी रिटर्न दे सकती है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे कहा कि यह कंपनी आपको छापने की मशीन देखने को मिलते हैं, एंड यहाँ पे प्रेजेंट टाइम के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम का रिजल्ट भी यहाँ पे अच्छा ही हमको आते हुए देखने को मिला है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर ये शेयर है तो आप इस शेयर को, एक भी शेयर को यहाँ पे सेल ना करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का जो रिजल्ट है वो हमको अच्छा देखने को मिला है, उसी के साथ साथ कंपनी रिटर्न्स भी अच्छा कमाती है। उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी का बिजनेस देखें कि कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है तो और आपको जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ते हुए हमको देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम कंपनी के वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो फूड बेवरेजेस, पर्सनल केयर्स, होम केयर्स एंड लेदर्स में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ अगर आप इन यहाँ पे जो प्लस का निशान देखता है दोस्तों, आप भी अगर इस कंपनी में विजिट करें तो अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे आइटम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ये कंपनी फूड बेवरेजेस में कौन क्या क्या करती है। उसी के साथ पर्सनल केयर में चाहे तो देख सकते हैं, होम केयर्स, लेदर्स, इन सभी में आप चाहे तो एक एक करके अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं, जिसको जिससे आपको ही यहाँ पर फायदा होने वाला है। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो हमारी जो कंपनी है वो आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चर भी करती है, जो कि अलग अलग एफएमसीजी सेक्टर की ब्रांड्स यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कॉम्फर्ट, यहाँ पे देखिए डेटॉल्स आप देखने को मिल रहा है, फिर लाइजॉल, उसके बाद अगर बात करें तो मोर्टीन जो आप देख रहे हैं, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि नाइका आपको देखने को मिल रहा है, हार्पिक देखने को मिल रहा है, एंड डबल रेड लेवल देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ ताजमहल, एंड उसी के साथ साथ थ्री रोजेस एंड ब्रू इंस्टेंट एंड सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, सेंतूर एंड सोवर टू सोवर, उसके अलावा फॉरेक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग ब्रांड की यहाँ पे हमारी जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर भी करते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो कंपनी का बिजनेस अपना बिजनेस में कर रही है, उसके साथ साथ अच्छे अच्छे कंपनियों से यहाँ पे इनकी कंपनियों के जो प्रोडक्ट है उनको मैन्युफैक्चरिंग भी करते हुए देखने को मिल रही है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये कंपनी एक गजब की कंपनी हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है।
सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो कंपनी है वो बहुत ही शानदार कंपनी यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। आज कल डिलीवरीज की बातें करें तो 33% के आसपास यहाँ पर डिलीवरी उठते हुए हमको देखने को मिल रही है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में अगर जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हमारी कंपनी के जो शेयर होल्ड प्रमोटर्स है। सो NSE के वेबसाइट पर हमको डाटा देखने को नहीं मिल रहा था, तो यहाँ से पर हम दूसरे वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स है वो 62% की होल्डिंग यहाँ पे लगातार बनाए हुए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि करीब 6.5% के आसपास फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी में है। और DS की बातें करें तो वो भी 7% से अधिक की होल्डिंग रखते हैं। एंड पब्लिक की बातें करें तो पब्लिक भी करीब 24% के आसपास यहाँ पे अपनी होल्डिंग रखते हुए देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर्स होल्डिंग भी यहाँ पे हमको अच्छी ही देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो फंडामेंटल स्ट्रांग भी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, उसके साथ साथ रिटर्न्स भी हमको गजब की यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। सो अगर आप चाहें तो इस कंपनी पर अपनी नज़र बना के रख सकते हैं दोस्तों। एंड अगर आप बाय करना चाहें तो आपकी मर्जी दोस्तों, यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी हमको अच्छी देखने को मिलती है। एंड आप जिस भी लेवल पर चाहें आप उस लेवल पर इस कंपनी को बाय कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रहा है दोस्तों। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।